हेलो एवरीवन, रिसेंटली स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया वाज अंडरटेकन माने कि स्नो लेपर्ड्स कितने हैं हमारे देश में उनकी गिनती रिसेंटली की गई और सबसे बड़ी बात पता है no, क्या है दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम इट वाज़ टन फर्स्ट टाइम नो यूड से वाई कि क्या स्नो लेपर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए ऐसी बात नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है जो माउंटेनस इको हैं जो स्नो क्लाड माउंटेनज इको हैं वहाँ पे इट इज़ एन एपिक्स प्रेडेटर, टॉप ऑफ द फूड चेन सो दे आर वेरी इम्पोर्टेंट सो वाई वॉन्ट इट डन बिफोर द रीज़न इज बिकॉज जहाँ पर ये रहते हैं दैट एरिया इज डिफिकल्ट टू रीच एंड देन दी स्नो लेपर्स आर इंलूसिव इनको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है इसी वजह से इनको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है खैर रिसेंटली हमारे लिए बिकॉज ऑफ एस पी ए आई स्नो लेपट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड ट्रस्ट मी बाई ऑफ़ दिस वीडियो कुछ भी स्नो लेपट्स से रिलेटेड अगर इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर यू पी एस सी सिविल सर्विसज सो दैट वुड बी कवर्ड इन दिस वीडियो यू ट्रस्ट मी ऑन दैट राइट सो लेट स्टार्ट अब हमारा एक और वर्टिकल हमने स्टार्ट किया है रैपिड्स द रैपिड्स इज प्राइमरि फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अ मिनट इन लेस देन मिनट, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए यू वुड नॉट रिग्रेटेड इनफैक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ऑल्सो अगर आप 2024 में प्रीलिम्स देने वाले हैं तो कंटेंट बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं बट टू सी विथ वट एवर योर रीडिंग इज ऑन द राइट वेदर योर ऑन द राइट ट्रैक आप एग्जाम के साथ आपकी प्रेपरेशन अलाइन्ड है या नहीं यू कैन जॉइन दिस परिश्रम कोर्स इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे आपसे चाहे वो क्वेश्चंस हमने खुद क्यूरेट किए हैं चाहे वो पी वाई क्यूज हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपका प्रैक्टिस लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो uh, आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा सो दिस कोर्स इज प्राइज स्टार्ट ट्रिपल नाइन ओनली सो दैट्स ऑल्सो एन एड ऑन फीचर कि काफ़ी अफोर्डेबल है ये राइट नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ स्नो लेपर्ट्स अब इंडिया में अगर हम बात करें तो स्नो लेपर्ड्स हमें हिमालयन रीजन्स में मिलते हैं है ना तीन हजार पैंतीस सौ मीटर्स के ऊपर ही मिलते हैं सब अल्पाइन और अल्पाइन जोन जिसे हम कहते हैं जो लेपर्ड्स हैं प्लेन्स में मिलते हैं आपको है ना जो नॉर्मल लेपर्ड्स है वो आपको प्लेन्स में मिलते हैं और तीसरे है हमारे पास क्लाउडेड लेपर्ड्स क्लाउडेड लेपर्ड्स आपको मिलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मिजोराम में राइट right मेघालय में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में क्लाउडेड लेपर्ड आपको मिलते हैं एक खास चीज़ पता क्या है तीनों का आई स्टेटस वन ट्रिपल है आई थिंक अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि तीनों का आई स्टेटस जो है वो वन ट्रिपल है अब स्नो लेपर्ड लाइक ऑल द लेपर्ट इज एन एपेक्स प्रिडेटर टॉप ऑफ द फूड चेन कार्निवोर एंड यू नो फेवरेट प्रे क्या है इसका भराल ब्लू शीप आई यू सी एन स्टेटस लीस्ट कंसर्न जहां पे आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा ना आपको भराल जरूर मिलेगी आप देख लेना ये जब आप पढ़ोगे ना आप नोटिस कर लेना बाकी हिमालयन ताहर पे भी फीड करता है और भी बहुत सारे जो प्रे हैं इसके बट फेवरेट प्रे भराल है सभी का होता है कोई ना कोई फेवरेट इसका भराल है देन इट इस जेनेटिकली क्लोजर टू टाइगर्स अब स्नो लेपर्ड के जेनेटिकली क्लोजर होना चाहिए नहीं टाइगर के हैं इनफैक्ट स्नो लेपर्ड एंड टाइगर आर कंसिडर टू बी सिस्टर स्पीशीज देन इसको ना गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है क्योंकि ना इंक्लूसिव है आपको दिखता नहीं है जैसे यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी इमेज है लेपर्ड हेयर स्नो लेपर्डर राइट इट्स वेरी डिफिकल्ट स्पॉट ठीक है घोस्ट वेरी डिफिकल्टॉट इी है ये तो आसानी से नहीं दिखता अब ये ना आपको एलपाइन सब एल्पाइन सोर्स आ, जोन्स में मिलता है थ्री थाउजेंड टू फोर्टी फाइव हंड्रेड मीटर्स हाइएस्ट प्लेस ऑफ द प्लान राइट हाई ऑल्टीट्यूड पे मिलता है इट इज़ अ फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयस और अगर ये आपको कहीं पे मिल रहा है ना सो दैट इंडिकेट्स हेल्दी माउंटेनस इको सिस्टम अब एक चीज़ आप मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा क्लाइमेट चेंज स्नो लेपुट को कैसे इंपैक्ट करेगा डू मैंशन दैट इन द कॉमेंट इज लॉजिकल आप सोचिएगा आपको आंसर मिल जाएगा हाउ विल दैट इम्पैक्ट द स्नो लेपर्स राइट अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज फाउंड इन ईस्टर्न अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज मंगोलिया चाइना थ्रू आउट मिलता है ये आपको और अगर हम नादरिन पार्ट ऑफ द रेंज पर देखें तो लोअर एलिवेशन पे भी मिलता है पॉइंट बींग सब एल्पाइन एल्पाइन जोन वाली रेंज में आपको मिलेगा सबसे ज्यादा स्नो लेपट्स कहाँ मिलते हैं कौन से देश में मिलते हैं चाइना में टोटल 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज हैं मतलब 12 देश हैं दुनिया में जहां स्नो लेपर्ड मिलता है इंडिया इज वन ऑफ देम एंड सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ट्स आपको चाइना में मिलते हैं देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू टू अंडरस्टैंड इज दैट इंडिया में कहाँ मिलता है स्नो लेपर्ड ऑब्वियसली हायर माउंटेनस रीजन्स में ही मिलेगा हिमालयस में ही मिलेगा सो वी हैव वेस्टर्न हिमालयस एंड ईस्टर्न हिमालयस वेस्टर्न हिमालयस में हम इसे जे एंड के और हिमाचल प्रदेश में मिलता है ये और ईस्टर्न में यूके उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश अब दो जगहें हैं जिसका ये स्टेट एनिमल है जे एंड सॉरी लद्दाख लद्दाख का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड जे एंड के का हंगूल है पहले दोनों का जे एंड के और लद्दाख जब एक स्टेट थे तो दोनों का हंगूल था कश्मीरी स्टैग जब ये सेपरेट हो गए जे एंड के का अभी भी हंगूल है लद्दाख का स्नो लेपर्ड हो गया है उसके अलावा स्नो लेपर्ड लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दो ऐसे जगह हैं जहां का ये स्टेट एनिमल है तो वो आपको ध्यान में रखना है देन लाइक आई सेट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया पहली बार हुआ राइट और इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो हमारे जो स्नो लेपर्ड्स है वो लद्दाख में है ठीक है फोर आउट ऑफ द टोटल सेवन हंड्रेड जैसे ना आप याद कर लो सात टोटल है ठीक है इसमें से चार करीबन पाँच आपको लद्दाख में मिल रहे हैं राइट और दूसरे नंबर पे उत्तराखंड है और तीसरे नंबर पे हिमाचल है 51 और एक चीज़ आप इससे भी याद कर सकते हैं कि लद्दाख और हिमाचल में जो है ना स्टेट एनिमल भी कहलाता है ये अभी किसने किया है एस पी ए आई डब्ल्यू आई आई वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट अलॉन्ग विथ टू एन जी ओज नेचर कॉन्जर्वेशन फाउंडेशन एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया इन्होंने ये किया 2019 से 2023 के बीच में और सात टोटल स्नो लेपर्ड्स हैं सबसे ज्यादा लद्दाख में और सबसे ज्यादा अगर हम दुनिया भर में देखें तो सबसे ज्यादा चाइना में है राइट सो दिस इज what यू नीड टू नो लद्दाख हैज द मैक्सिमम उत्तराखंड द second highest एंड थर्ड highest इन हिमाचल प्रदेश राइट right? और अगर ना इसमें आप एक चीज और नोट करेंगे कि इनकी जो रेंज है ना वो उत्तराखंड में काफी कम है ठीक है बाकी जगहों पे तो कम है उत्तराखंड में कम है सो दैट मींस कि काफी डेंसिटी भी ज्यादा है उत्तराखंड में अगर हम उस तरह से इसको देखें तो आईयी एन स्टेटस में आपको बता ही चुकी हूं वनड्र है अब शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 सेवेंटी टू साइट्स और सी दोनों के अपेंडिक्स वन में आता है हेमिस इन लद्दाख इज द स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किब्बड़ इन हिमाचल इज द हॉट स्पॉट फॉर स्नो लेपर्ड्स ठीक है अगेन ये दोनों उन्हीं जगहों पे हैं जहां पर ये स्टेट आने मिले मतलब इनका स्ट्रांग होल्ड है ठीक है हेमिस इन लद्दाख एंड किब्बड़ इन लाहौल पटी हिमाचल प्रदेश ठीक है सो ये आपको ध्यान में रखना है देन रिसेंटली इट वॉज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज द नेशनल सिम्बल ऑफ किर्गिस्तान किर्गिस्तान में ना इसको बहुत रेवर किया जाता है तो वहाँ का ये नेशनल सिंबल रिसेंटली डेजिग्नेट किया गया है उसके बाद इंडिया में अगर हम प्रो, प्रोटेक्शन की बात करें तो एक हमारे पास सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है जो कि हिमालयास की, की प्रोटेक्शन के लिए है वहाँ जो लोग रहते हैं उनके लाइवलीहुड की प्रोटेक्शन के लिए है जी ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी और यू का इनिशिएटिव है एंड बाई ये स्नो लेपर्ड्स को भी कंजर्व करते हैं प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है दो में शुरू हुआ था दैन क्रिटिकली इन डेंजर्ड स्पीशीज बाईस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में आती हैं विच इज़ आंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट उसमें भी वन ऑफ द स्पीशीज इज स्नो लेपर्ट राइट सो दैट इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट एंड देन इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट देन वी ऑल्सो हैव हिमिल संरक्षक कम्युनिटी वॉलेंटियर प्रोग्राम ठीक है कम्युनिटी वॉलेंटियर प्रोग्राम एंड अभी जिसके जो हम एस पी ए आई कर रहे हैं उसकी नीव दो हज़ार उन्नीस में रखी गई थी फॉर द पॉपुलेशन असेसमेंट राइट सो दीज आर द इनिशिएटिव एंड लास्टली वी हैव ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इको सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम अब ये ग्लोबल लेवल पर स्नो लेपर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए हैं बारह देशों में स्नो लेपर्ड मिलता है जिनमें से एक इंडिया है हाइएस्ट चाइना में मिलता है किर्गिस्तान का ये नेशनल सिम्बल घोषित किया गया अब ये बना था जी एस एल ई -E पी थ्रू बिशकैक डिक्लेरेशन ठीक है बिशकैक डिक्लेरेशन के तहत ये बना था और इसी के तहत अक्टूबर 23 को इंटरनेशनल स्लो लेपर्ड डे भी मनाया जाता है तो ये प्रोटेक्शन एट इंटरनेशनल लेवल की बात करता है जो हमने पहली स्लाइड्स में देखा वो प्रोटेक्शन एट नेशनल लेवल की बात करता है सो दैट वॉज रिगार्डिंग योर स्नो लेपर्स एंड लास्ट में अगर आपको कोई भी और uh, चीज़ समझ में ना आई हो रिगार्डिंग स्नो लेपर्स यू कैन आस्क मी दैट इन द कॉमेंट्स एंड लास्टली हमारे दो हजार पच्चीस के बैचेज हैव ऑल्सो गॉन लाइफ तो अगर आप उनमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप उनमें इनरोल कर सकते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टोल फ्री नंबर वन है डबल जीरो एट नाइन जीरो थ्री जीरो फोर थ्री उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चाहे जी uh, एस हो चाहे ऑप्शनल्स हो चाहे सी सैट हो चाहे एस ए हो सभी के बैचेस आर नाउ लाइव एंड दे आर इन फैक्ट अगर हम जी एस की बात करें तो हम लाइव बैचेस ऑफर कर रहे हैं और दो हजार पच्चीस देखिए अभी दूर लग सकता है लेकिन वही है कि अभी आप जो तैयारी करेंगे वो फुल डेडिकेशन से और स्ट्रेस फ्री होकर करेंगे एंड वो काफ़ी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है राधा दिन टाइम कम है और जो आप स्ट्रेस में एंगजाइटी में तैयारी करते हैं उससे राइट सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू हैव नाइस डे